नंबर तीन इखलास व एहतिसाब, सिर्फ जो नेक काम करें सिर्फ उसकी खुशनूदी के लिए, यहां तक कि हुजूर के सामने एक सहाबी ऐसे ही मुहावरे में रवा रवि में कह बैठे माशाअल्लाह व माशेता, जो आप चाहें और अल्लाह चाहे, फौरन डांट दिया, अजाल तनी लिल्लाह निदन, तुमने मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना दिया, मशीयत सिर्फ उसकी है, बात अशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, कोई नेक काम सिवाय उसकी रजा जुई के लिए अगर किसी और के लिए किया गया, रिया है, सुमा है, दिखावे के लिए है, शोहरत के लिए है, दुनिया कमाने के लिए है, लीडरी चमकाने के लिए है, इख्तदार हासिल करने के लिए है, कोई भी और मकसद अगर शामिल हुआ, जीरो से जरब खाकर पूरी इबादत जीरो हो जाएगी। इख्तिसाब बदले की तवक्को सिर्फ अल्लाह से, ये लफ्ज आप खास तौर पर सुनते रहे होंगे इन दिनों बहुत, मन साम रमजान ईमान वहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, वमन काम रमजान ईमान वहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, वमन काम लैलतुल क़द्र ईमान वहतसाबन, ईमान के साथ एहतसाब क्यों आ रहा है, इसका अजर व सवाब सिवाय अल्लाह से और किसी से तवक्को न हो। ये पांच चीजें हैं जहां तक इताअत का ताल्लुक है, उसमें एक एक्सेप्शन नोट कर लीजिए, कहीं किसी वक्त निसियान से, खता से या जज्बात के तूफान में आकर कोई गलत हरकत कर बैठा, लेकिन फौरन तौबा कर ले, यह मुस्तस्ना है। मैंने तीन अल्फाज कहे, खता आप नहीं समझते थे कि जो मैं करने चला हूं यह डिसोबीडियंस है, आपको पता ही नहीं था, खता हो गई, निसियान भूल गए, एक वक्त ऐसा है कि आदमी के ऊपर गफलत का एक पर्दा पड़ जाता है। हुजूर खुद फरमाते हैं इन्नहु ला युगानु अला कल्बी व इन्नी लस्तगफिरुल्लाह फी कुल यौमिन सबीना मर्रा, मेरे दिल पर भी कभी कभी हिजाब सा आ जाता है, मैं रोजाना 70-70 मरतबा इस्तगफार करता हूं। तो हम अपने हिजाबात पर हुजूर के हिजाब को कयास नहीं कर सकते, चे नस्बत खाक रबा आलम पाक, वो कोई और शय है, ये कोई और शय है, लेकिन ये कि बाहर पड़ता तो पड़ता है, उसमें कोई गलत हरकत सरजद हो गई, या नंबर तीन जज्बात का कोई हैजान था जिसने के ओवर पावर कर दिया, इंसान की कुव्वत इरादी को मुअत्तल कर दिया, कोई गलत हरकत सरजद हो गई, लेकिन फिर तौबा फौरन, انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب, जैसे ही तूफान गुजरा फौरन होश में आया, ये मुझसे क्या हो गया, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिन الظالمين, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرين, ये दुआ है गिड़गिड़ाकर अल्लाह माफ कर, इट विल बी रिटर्न ऑफ, इट विल बी एक्सपंज्ड, महफ कर दिया, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआत, ही इसके मानी यही है। हां इसके बरक्स अगर एक गुनाह भी जानबूझकर मुस्तकिलन करते रहे, एक बाकी सारी 99% इबादत हो रही है, एक हराम शय को अपने लिए हलाल ठहरा लिया, शऊरी तौर पर इरादी तौर पर मुदावमत के साथ उसके ऊपर डेरे जमा लिए, वो एक गुनाह जो है वो पूरी इबादत को जीरो से दरब देकर जीरो कर देगा, और खुलूद फिन्नार आग में हमेशा रहने की वही बना मन का सब असन वही खदीत फौला का साब नारिया फाल। इन पॉइंट्स को अच्छी तरह नोट कीजिए, खता खता में फर्क है, गुनाह गुनाह में फर्क है, एक गुनाह गैर शौरी तौर पर हो गया, खता से हो गया, निसियान से हो गया, वक्ती तूफान जज्बात का, किसी ऐसी महफिल में थे, मजलिस में थे, खो गए, गलती हो गई, फौरन मुतनब्बे हो गए फौरन, ये और जैसे कि आदमी, मुझे अच्छी तरह याद है एक मरतबा
और मैं भूलता नहीं उस वाक्य को, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक साइकिल पर जा रहा था कॉलेज, और स्लिपरी थी रोड, जब साइकिल स्लिप करती है तो पता नहीं चलता मैं कब गिर गया, गिरा हूं लेकिन मुझे पता उस वक्त चला जब उठ चुका था मैं, जब मैं गिरा था, क्योंकि आदमी वह पड़ा नहीं रहता, फौरन उठना, ये जो है फौरन उठना, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, ये भी बाद में मालूम होता है कि मैं गिरा था जबकि उठ चुका होता, इतना इंस्टेंटेनियस होता है, ये है यतूबूना मिन करीब। और इसको अल्लाह ने अपने जिम्मे, इन्नम तौबतु अलल्लाह, अल्लाह के जिम्मे है ये कि वो ऐसे शख्स की तौबा कबूल करे, इन्नम तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीन यअमलून सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब। बहरहाल ये एक उसकी जिम्मी बात थी कि इताअत कुल्ली के ज़िम्मे में इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिए, गुनाह का हो जाना, कुल्लो बनी आदम खत्ताउन व खैर खत्ताइन तवाबून अत्ताइब मिन ज़म्बे कमल ला ज़म्बा लहू, बहुत इसमें हमारे लिए पुरुमीद बातें कही गई। अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदे की तौबा से इतनी ही खुशी होती है जितनी के उस शख्स को होती हुई जो एक सेहरा में सफर कर रहा था, एक ही ऊंट था उसी पर उसका पानी था उसी पर उसका राशन था, थोड़ी देर के लिए सस्ताने को लेटा, आंख खुली तो ऊंट आई, दौड़ रहा है मशरिक में मगरिब में शिमाल में जनूब में, थक हार कर बैठ गया है, अब वो मौत का इंतजार कर रहा है, ना पानी है ना कोई गिजा है ना कोई सवारी है कि इस सेहरा लखुद सेहरा से निकल सके, क्या अचानक देखता है कि ऊंट तो खड़ा है मौजूद है, तो उसे इतनी खुशी होती है कि वो कहता है अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, कहना ये चाहता था अल्लाह तू मेरा रब मैं तेरा बंदा, लेकिन इतना मगलूब हो गया है उस वक्त जज्बात में खुशी के कह ये बैठा गया अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, इतनी खुशी होती है अल्लाह को अपने किसी गुनाहगार बंदे की तौबा से। तो ये वो है वो मसला, आरजी फौरी लाइल्मी जहालत तूफान या किसी माहौल के फौरी असर के तहत कोई गलती हो गई फौरन तौबा की, लेकिन यह कि अगर जानबूझकर कॉन्शियस डिसीजन एक हराम शय को भी अगर मुस्तकिलन इख्तियार कर लिया, बला मन कसब सैयतन वहाक बिही खतियतुहु फौलाका असहाबुन नार हुम फिहा। अब आइए नेक्स्ट, मैं जिसे आज एक नया एंगल कह रहा हूं वो क्या है, देखिए इताअत के दो पहलू हैं इंफिरादी और इज्तिमाई, मुझे मुराद क्या है, इनकी रेशियो प्रोपोर्शन मुख्तलिफ होगी, कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है स्टेट का कॉन्सेप्ट है इज्तिमाइयत का पड़ना बहुत भारी हो जाता है इंफिरादियत बहुत महदूद हो जाती है, कोई बड़ी प्रिमिटिव सी सोसाइटी है ऑर्गेनाइज्ड स्टेट नहीं है तो इंफिरादियत का दायरा वसी होता है इज्तिमाइयत महदूद होती है इन वेरियस प्रोपोर्शंस। लेकिन पहले इनको आइडेंटिफाई कीजिए, इससे मेरी मुराद क्या है, एक वो अल्लाह की इताअत है कि जो एक इंसान के अपने बस में है वो कर सकता है, चाहे भूख आ जाए फाका आ जाए नुकसान हो जाए जान का अंदेशा हो जाए ये कर सकता है, एक वो इताअत है जो किसी सूरत कर ही नहीं सकता जब तक के इज्तिमाई माहौल ना बदले, कितना ही सिंसियर हो कितना ही नेक हो कितना ही फैसला कर ले कर ही नहीं सकता, वो उसके हाथ में है ही नहीं, एक रियासत है ऑर्गेनाइज स्टेट है उसका लॉ है आप उसमें रह रहे हैं तो वही कानून चलेगा आपके बस में नहीं है, आपका बेटा फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता जिना करे तो आपसे रजम नहीं कर सकते चाहे आपका बेटा है, यू हैव नो पावर नो अथॉरिटी, आपका अपना बेटा अपनी बेटी चोरी कर ले आप हाथ नहीं काट सकते,
मुझे याद आ रहा है लो अन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत, बिलफर्जी कह रहा हूं ना मैं भी, मफरूजे के तौर पर आप नहीं हाथ काट सकते। एक माशरा है जिसके अंदर पूरी मईशत जो है सूद के ऊपर है, आप सांस भी नहीं ले सकते कि जो सूद से खाली हो, इम्पॉसिबल। एक स्टेट है, आप उसके सिटीजन हैं, आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लॉयल हैं, फेथफुल हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, ऑर्गेनाइज सोसाइटी स्टेट में ये दायरा बहुत बढ़ जाता है। ट्राइबल है वहां ये कि इंफरादियत का काफी दायरा होता है, कानून कम से कम होते हैं, नज्म कम से कम होता है, सिस्टम जो है उसकी गरिफ्त कम से कम होती है। अब देखिए, दो हैसियतें दुनिया में मुमकिन हैं, एक इंतहाई खुशबख्ती की, इंतहाई खुश किस्मती की, कि एक इंसान एक ऐसे माहौल में पैदा हो गया है, या वो हिजरत करके ऐसे माहौल में चला गया है जहां टोटल दीन गालिब, दीन कायम, निजाम है ही दीन का, हुकूमत है ही अल्लाह की, वहां जाकर इंसान कितना हाउ एट ईज ही विल फील, नो फ्रिक्शन। वो भी अल्लाह की बंदगी करना चाहता है, माहौल भी साजगार है, पूरा निजाम भी अल्लाह की बंदगी पर है, पूरा कानून भी अल्लाह ही का नाफिस है, पूरा तालीम का ढांचा भी अल्लाह ही के हिदायत के मुताबिक है, तमाम ज़राए इब्लाग से भी उसी के मुताबिक चीजें हैं जो नशर हो रही हैं, ऑडियो विजुअल सब कुछ। इंतहाई खुशकिस्मत, मोस्ट फॉर्चुनेट, एक इंसान ऐसे माहौल, लेकिन फर्ज कीजिए कि वो ऐसे माहौल में है जहां अल्लाह का दीन गालिब नहीं है, बहुत महदूद सा हिस्सा है जिसमें वो अल्लाह का हुक्म मान सकता है, नमाज वो पढ़ सकता है, रोजा रख सकता है, कोई नहीं रोकता। इसराइल में भी जाके पढ़ लीजिए नमाज और रोजा, अमेरिका में कर लीजिए, भारत में कर लीजिए, कोई नहीं रोकता, लोग हैं। लेकिन बाकी वेरिंग डिग्रीज में होगा ये कि जिंदगी का 75%, 80%, 50%, 60% वो बातिल के कब्जे में है, तो वो भी तो 50%, 60% काफिर है, इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एनवायरमेंट ऑफ दैट सिस्टम। कुरान के तीनों फतवे उस पर भी तो लग रहे हैं, मल्लम यहकुम बिमा अंज़ल्लाहु फ़औलाइका काफिरून, व मल्लम यहकुम बिमा अंज़ल्लाहु फ़औलाइका फ़ासिकून, व मल्लम यहकुम बिमा अंज़ल्लाहु फ़औलाइका ज़ालिमून, वही जालिम है, जालिम से मुराद मुशरिक, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, वही काफिर है। बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, कुछ कहते किसे, वही तो फासिक है, नाहंजार है, बागी है। वेरिंग डिग्रीज के अंदर जितना भी उस निजाम की गिरफ्त है, उस दर्जे में हर वो शख्स काफिर और जालिम और मुशरिक है जो उस माहौल में रह रहा। इन दोनों हालतों में दीन के तकाजे बिल्कुल एक दूसरे के बरक्स हो जाते हैं। अब ये पॉइंट है जो मैं चाहता हूं आज, आई वॉन्ट टू हैमर इट, अगर आप खिलाफत राशिदा के दौरान पैदा हो गए होते, मोस्ट फॉर्चुनेट, मोस्ट इजी, दीन कायम है, अल्लाह के अहकाम जारी है, सारा निजाम वही है, द होल स्टेट क्राफ्ट वो इस्लाम की बुनियाद पर काम कर रहा है, आप एक सिटीजन हैं, आपके लिए तकर्रुब बिन नवाफिल के दर्जे खुले हुए, फर्ज तो पूरे हैं, यहां नफल नमाज पढ़िए, नफल इल्म हासिल कीजिए, नफल रोजे रखते चले जाइए, नफली चिल्ले कीजिए, जो चाहिए
تقرب بالنوافل، اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب النوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا، اگر یہ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ولا وجل بصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے، نماز منہ پر دے ماری جائے گی، روزے منہ پر دے مارے جائیں گے، یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا۔ پہلا فرض یہ تن من دھن، یو کین ناٹ ریکنسائل وتھ دیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم، اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، سب سسٹمز لیول کے اوپر، صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، نتھنگ مور۔ دس از دی پوائنٹ، کروشل پوائنٹ۔ اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں، جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا تھا، اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور دو رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال، یہ ساری بات ہے، all these things become absolutely irrelevant، the deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے چلو نوافل کی طرف، قرآت کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے، یا تقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے۔ ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ، جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، یور اسٹرگل اگینسٹ دیٹ سسٹم۔ لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، انٹیگرل پارٹ آف دی ڈیفینیشن آف اے مومن، کہ اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے، بس جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں،
जितनी जड़ें गहरी जमा सकें, जितना कुछ औलाद के लिए छोड़कर बढ़ सकें, जितना औलाद को ज्यादा से ज्यादा दुनिया की सहूलतें देने हासिल करने के काबिल बनाकर जा सकें, सारी तो तवानाइयां और सारी कुव्वतें और सारी सलाहियतें और सारे औकात तो कपे हुए इसमें। अच्छा, आपको थोड़ा सा दीन का काम भी, आखिर धोखा तो अपने आप को देना ही है ना। किस्मत फरोश औरतें भी तो काले कपड़े पहन के जुलूस में निकलती हैं ताजियों के, और सबीलें लगाती हैं और मस्जिदें बनाती हैं। They have to deceive themselves। डाकू लोग यहां सफाक यतीमों और बेवाओं की सरपरस्ती करते थे। हमारे माशरे में जो बस्ता अलिफ बस्ता बे के गुंडे होते हैं, उनके यहां भी नेकी का पुण्य का खैर का खाता होता है। इसी तरह कुछ मजहबी एक्टिविटी है। असल शय यह है किस माहौल में रह रहे हैं। बहुत खुशकिस्मत होता मैं और आप, फिर आप अच्छे से अच्छा पहनते, कोई इतराज नहीं, अच्छे से अच्छा खाते। कुल मन हर रमजीनत अल्लाह लती अखरज अल इबाद ही व तय्यिबात मिन अर-रिज़्क। खिलाफत राशिदा में आप रह रहे हैं, आप हलाल जरिए से कमा रहे हैं, आप बहुत अच्छा खाइए, बहुत अच्छा पहनिए, बल्कि अल्लाह चाहता है कि उसकी नेमत जो उसने तुम्हें दी है वो तुम पर जाहिर हो। लेकिन प्लीज नोट द कॉन्टेक्स्ट, दीन मगलूब हो और आप अच्छा पहनने और अच्छे खाने की फिक्र में हो। मुझे जुमला याद आ रहा है हजरत अबू बकर का रजी अल्लाह तआला अन्हु। थोड़ा सा मसला हुआ था कि लोगों ने कहा कि जकात हम देंगे लेकिन जकात रियासत को नहीं देंगे, अपने तौर पर खर्च करेंगे। हजरत अबू बकर ने फैसला किया उनके खिलाफ जंग का। हजरत उमर जैसी शख्सियत भी मशवरा दे रही है कि देखें नहीं, दो फ्रंट पहले हमने खोले हुए हैं, जैश उसामा को भी आपने रोका नहीं कि जाए, हुजूर ने तैयार किया था। फिर जो मुर्तदी हो गए, किसी और को नबी मान लिया, उनके खिलाफ तो जंग करनी ही करनी है, लेकिन ये तो सिर्फ नमाज भी पढ़ रहे हैं और ये ज़कात का भी इनकार नहीं कर रहे, सिर्फ हमें नहीं दे रहे हैं, तो इनके साथ जरा मसलहत का तकाजा ये है कि कुछ नरमी की जाए। उनके बड़े प्यारे अल्फाज थे, अयुबद्दलुद्दीन वाना हय, क्या दीन में तगय्युर किया जाएगा जबकि अभी मैं जिंदा हूं। खुदा की कसम अगर ये हुजूर के जमाने में जकात के ऊंटों के साथ उनके बांधने वाली रस्सी भी देते थे, और अब अगर ये कहेंगे कि ऊंट ले जाओ रस्सी नहीं देंगे, तब भी मैं कताल करूंगा और खुदा की कसम कोई मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अकेला जाऊंगा। और है उमर तुम्हें क्या हो गया, तुम जाहिलियत में तो बड़े सख्त थे, इस्लाम में आकर तुम नर्म हो गए हो। ये डांट अबू बकर पिला रहे हैं उमर को रज़ी अल्लाह तआला। तो अच्छी तरह जान लीजिए, अब मैं नहीं कह सकता कि मैं किस तरीके से इसको बयान करूं, कैसे ठोक ठोक कर आपके जहनों में उतारूं। ये है असल शय, दीन का सारा स्ट्रक्चर ही बिल्कुल रिवर्स हो जाता, द होल वैल्यू स्ट्रक्चर एब्सोल्यूटली चेंजेस। दीन गालिब है तो वो सारी बातें हैं जो हमने खूब याद की हुई हैं, आशे हुकूक वालदैन भी तो है ना, आखिर बच्चों के हुकूक भी तो है ना। ये हुकूक के वालदैन जो है उन मुहाजरीन को याद नहीं आए जो अपने मां बाप को छोड़कर मदीने पहुंच गए थे, ये औलाद के हुकूक उन्हें याद नहीं आए, बीवियों के हुकूक याद नहीं आए, वो तो फैनेटिस्ट थे ना, पागल थे ना। मदीने के मुनाफिकीन ने उन्हें सुफहा कहा था, बेवकूफ लोग हैं ये, अनोमिनो कमा आमना सुफहा, दिस फूल्स, दिस फैनेटिक्स। ये सारी हदीसें आपको याद हैं। फर्क है, इस्लाम गालिब है तो मसला कुछ और है। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, नवाफिल है, नवाफिल पर नवाफिल है, जितनी तरक्की कीजिए दुनिया में करना चाहे दुनिया में कीजिए, रूहानी तरक्की करना चाहे रूहानी तरक्की कीजिए, सारे मैदान खुले। इल्म में, प्रोफेशन में, किसी खास फन में तरक्की करना चाहे कीजिए, दीन गालिब नहीं है और आप खुद
50%, 60%, 70%, 90% काफिर हैं, इसलिए कि उस माहौल का जुज है जिसमें कुफर का निजाम है। तो पहला काम तो अपने आप को उस कुफर से निजात दिलाना होगा, फिर नमाज भी इसी के लिए है। वस्ताइनू बिस्सब्र वस्सला, मदद हासिल करो नमाज से। किस काम के लिए मदद हासिल करो? द मिशन टू मेक द दीन ऑफ अल्लाह सुप्रीम अन अकीमुद्दीन। नमाज इसके लिए सबसर्वियंट है, इसके लिए मदद है। रोजा उसी के लिए जंग करने की सलाहियत पैदा करने के लिए है, इसलिए 23वें रुकू में सूरह बकरा के रोजे और रमजान के अहकाम है, 24वें रुकू में किताल शुरू हो गया, कातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युकातिलूनकुम। और अरब जो है वो रोजा रखवाते ही सिर्फ घोड़ों को थे, खुद तो रखते ही नहीं थे, क्योंकि घोड़े को इस्तेमाल करते थे लूटमार में, गारतगरी में, जंगों में। और घोड़ा है नरम नाजुक मिजाज जानवर, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऊंट तो कर जाता है, चाहिए था उन्हें घोड़ा। लिहाजा घोड़े को आदि बनाते थे धूप का, प्यास का, भूख का, ताकि ऐसा ना हो कि अहन मार्के का वक्त और घोड़े साहब जवाब दिए बैठे तो सवार क्या करेगा। तो सामा यसूमो अरबी जबान में घोड़े के लिए था, इंसानों के लिए था ही नहीं। ये तो मदीने में आने के बाद फिर हुजूर ने यहूदियों को देखा कि रोजा रखते हैं, तो आपने भी मुसलमानों से कहा आशूरा का रोजा है वगैरह वगैरह, छोड़ दीजिए इस बात को लंबी हो जाएगी। ये सारी चीजें असल में है उस मकसद के लिए।